दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद हिटलर और नाजी पार्टी की हार हो गई थी और उसके बाद कभी भी जर्मनी में नाजीज को नहीं देखा गया। लेकिन नाजी पार्टी में जो कई सारे ऑफिसर्स थे वो आखिर गए कहाँ? क्योंकि अगर वो लोग दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी जिंदा थे तो इसका मतलब ये है कि वो अब भी नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। लेकिन उनका जर्मनी से अचानक गायब हो जाना काफी अजीब था। आज सालों बाद हमारे पास ये जवाब है कि वो लोग कहाँ कहाँ गए और वो वहाँ क्यों और कैसे गए, तो जानेंगे इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। बस आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूले। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपका ये समझना जरूरी है कि आखिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये नाजी लोग जर्मनी से भागे क्यों? और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने यहूदियों के खिलाफ जो वायलेंस किया था उसके लिए इन्हें सजा मिलने लगी थी। इन्हें न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स भी कहा गया, जहां बहुत सारे सीनियर नाजी ऑफिशियल्स को फांसी या फिर उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई और इसी से बचने के लिए कई नाजी जर्मनी छोड़कर भाग गए। अब दोस्तों इन नाजीज के साथ परेशानी ये थी कि वो लोग यूरोप में नहीं रह सकते थे क्योंकि वहां उन्हें पकड़ लिया जाता। इसके अलावा एशिया में भी ज्यादातर देश ब्रिटेन और अमेरिका के साथ थे और जापान की हार के बाद वो भी एक सेफ जगह नहीं बची थी। ये नाजी न तो अमेरिका कनाडा जा सकते थे और न ही अफ्रीका में, क्योंकि वहां के ज्यादातर देश इस दौर में ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे में थे। इसीलिए कुल मिलाकर इन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और दोस्तों वो था साउथ अमेरिका। जानकारी के लिए बता दें कि साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना एक ऐसा देश था जहाँ के राष्ट्रपति वान डोमिंगो पेरोन को हिटलर से काफी हमदर्दी थी, इसीलिए उन्होंने नाजी लोगों को वार के बाद अपने यहाँ पनाह दी। अब दोस्तों नाजीज के लिए अर्जेंटीना पहुँचना भी आसान नहीं था, इसीलिए ये सब कुछ सीक्रेटली किया गया और इसके लिए बकायदा एक पूरा का पूरा रूट तैयार किया गया, जिसे देखकर आज शायद कोई यकीन भी ना करे। इनमें से ज्यादातर लोग जर्मनी की हार के बाद स्पेन चले जाते क्योंकि स्पेन में उस वक्त फ्रांसिस्को फ्रांको की सरकार थी जो दूसरे विश्व युद्ध में वैसे तो न्यूट्रल रहा लेकिन वो भी हिटलर को काफी पसंद करता था और स्पेन के अलावा कैथोलिक चर्च भी उस वक्त सीक्रेटली नाजीज को सपोर्ट कर रहा था और नाजीज का काफी सारा गोल्ड और पैसा कैथोलिक चर्च ने ही अपने यहाँ सेफ रखा हुआ था। इसीलिए कुछ लोग वेटिकन सिटी भी चले गए जो चर्च के अंडर ही एक शहर जितना छोटा देश है। इसके अलावा कुछ नाजी ऑफिशियल्स स्विट्जरलैंड भी गए क्योंकि स्विट्जरलैंड भी एक न्यूट्रल देश था। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर भी ये लोग सेफ नहीं थे, इसीलिए इन सभी जगहों पर ये लोग सिर्फ कुछ वक्त के लिए रहे और फिर वहाँ की सरकारों की मदद से ये अर्जेंटीना की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ अर्जेंटीना को भी इन लोगों की जरूरत थी क्योंकि अर्जेंटीना ने देख लिया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई और अब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ऐसे में अर्जेंटीना ये चाहता था कि इन नाजी ऑफिशियल्स को अपने यहाँ पनाह देकर वो इनकी मदद से अपनी मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग करे। इसके अलावा उन्हें जर्मन टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता वो अलग और इस तरह वो जल्दी से ही डेवलपमेंट के रास्ते पर चल पड़ेंगे। इस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन भी यही कर रहे थे और इन दोनों ही देशों ने युद्ध के बाद जर्मनी के कई सारे साइंटिस्ट को अपने यहाँ पनाह दे दी ताकि वो स्पेस रेस में आगे निकल सके। लेकिन दोस्तों ज्यादातर नाजीज को अर्जेंटीना में ही पनाह मिली क्योंकि अर्जेंटीना के ऑलरेडी इटली स्पेन और जर्मनी के साथ अच्छे संबंध थे। इसके अलावा अर्जेंटीना के कई सारे डिप्लोमेट्स उस वक्त यूरोप के अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते थे, इसीलिए ये रिश्ता काफी गहरा था। अर्जेंटीना पहुंचने के बाद इन नाजी ऑफिशियल्स में से कई ने अपने नाम बदल लिए और फिर वहां आराम से रहने लगे। आज भी आपको अर्जेंटीना में ऐसे कई टाउन्स मिल जाएंगे जहां स्पेनिश नहीं जर्मन बोली जाती है और यहां पर आज भी उन भागे हुए नाजी ऑफिशियल्स के बच्चे और परिवार रहते हैं। अर्जेंटीना ने उस दौर में नाजीज को इसलिए भी सपोर्ट किया क्योंकि ये लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ थे और कोल्ड वॉर में अर्जेंटीना भी सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ हो गया, इसीलिए नाजीज और अर्जेंटीना के ये रिलेशंस काफी नेचुरल थे। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सभी नाजी ऑफिशियल्स अर्जेंटीना ही गए क्योंकि 1955 में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट पेरोन की सरकार चली गई और एक नई सरकार वहां सत्ता में आ गई। सरकार बदलते ही इन नाजीज को डर सताने लगा कि मुमकिन है कि अब उन्हें यहां शेल्टर न मिले और वो इन्हें वापस यूरोप भेज दे। इससे बचने के लिए वो साउथ अमेरिका के बाकी देशों में भी फैलने लगे। अर्जेंटीना के अलावा कुछ लोग ब्राजील तो कुछ चिली, कुछ पैरागुए तो कुछ कोलंबिया या फिर उरुग्वे जैसे देशों में जाकर बसने लगे। इन लोगों ने धीरे धीरे वहाँ की पॉपुलेशन में घुलना मिलना शुरू कर दिया और कुछ तो लोकल औरतों के साथ शादी करके पूरी तरह से इसी देश के नागरिक बन गए। फिर जब बाद में इसराइल थोड़ा स्ट्रांग होने लगा तो मोसाद ने यहूदियों के साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए इन नाजीज को ढूंढ ढूंढ कर असैसिनेट करना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने साउथ अमेरिका में भी कई ऑपरेशन किए। कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को साउथ अमेरिका से पकड़ कर कोर्ट में भी पेश किया गया और उन्हें सजा दिलवाई गई। लेकिन दोस्तों फिर भी कई नाजी जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे या फिर हिटलर रिजीम में उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे वो लोग छिपकर बच गए। नाजीज की माइग्रेशन की इसी हिस्ट्री की वजह से कई लोग ये भी मानते हैं कि ये मुमकिन है कि शायद हिटलर भी दूसरे विश्व युद्ध में नहीं मरा था बल्कि वो भी साउथ अमेरिका भाग आया था। ऑफिशियल स्टोरी तो ये बताई जाती है कि जब हिटलर को पता चल गया कि जर्मनी की हार अब तय है वो जाकर एक अंडरग्राउंड कंपाउंड में छिप गया जहाँ उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड और कुछ वफादार साथी थे। कहा जाता है कि हिटलर ने देख लिया था कि जब इटली में मसोलिनी को
को पकड़ा गया तो उसकी बॉडी के साथ जनता ने बहुत बुरा बिहेव किया, इसीलिए उसने इस कंपाउंड में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आत्महत्या कर ली और अपने सिपाहियों से पहले ही कह दिया था कि वो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद डेड बॉडीज को जला दे। अब दोस्तों यही स्टोरी हमें किताबों में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन इस स्टोरी पर डाउट तब आना शुरू हुआ जब पता चलता है कि यहाँ जब एलाइड फोर्सेस के सिपाहियों की एंट्री हुई तब वो हिटलर के स्कल को एक प्रूफ के तौर पर ले आए थे। फिर जब कई सालों बाद इस स्कल की जांच की गई तो मालूम चला कि ये स्कल हिटलर का नहीं बल्कि एक लेडी का था। अब दोस्तों हो सकता है कि ये एक गलती हो, लेकिन हिटलर की बॉडी का ना मिलना एक बहुत बड़ी बात थी और यहीं से इस थ्योरी का जन्म हुआ कि हिटलर वहां से भाग गया था। हिस्ट्री चैनल ने इस पर बकायदा एक पूरा शो बनाया था जिसका नाम हंटिंग हिटलर था और इसमें एक क्रू इसी बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरी दुनिया में घूमता है। इस शो में भी कई सारी शॉकिंग चीजों का खुलासा हुआ जो इस थ्योरी को और हवा देती है। इसमें बताया गया कि किस तरह अर्जेंटीना और बाकी सारे साउथ अमेरिकन देशों में नाजीज का इन्फ्लुएंस युद्ध से पहले बहुत स्ट्रांग था और नाजीज ने यहाँ पर अपने कई सारे अंडरग्राउंड बंकर्स तक बनवा रखे थे ताकि वो मुश्किल वक्त में यहाँ अपना सोना या फिर बाकी चीजें रख सके। इस शो में ये भी दावा किया गया कि हिटलर जर्मनी से भागने के बाद एक कैथोलिक प्रीस्ट बन गया। और दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जो उस वक्त हिटलर को जिंदा देखने का दावा कैमरे पर करते हैं। अब ये कहानी पूरी तरह से सच है या नहीं इस पर सटीकता से कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि जब इतने सारे नाजी ऑफिशियल्स बचकर अर्जेंटीना भागने में कामयाब हो गए और लगातार उनकी मदद के लिए स्पेन और खुद कैथोलिक चर्च तक आगे आ रहा था तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि हिटलर जैसा बड़ा लीडर भी इसी तरह वहां से भाग निकला हो। अगर हमें आज तक हिटलर की बॉडी नहीं मिली तो क्या ये नहीं हो सकता कि जो जली हुई बॉडीज उन्हें उस कंपाउंड में मिली वो हिटलर की थी ही नहीं। हिटलर के समर्थक बहुत से देशों में थे और नाजीज के पास काफी सोना था जिसमें से बहुत सारा गोल्ड आज तक रिकवर नहीं किया जा सका। तो दोस्तों क्या वो गोल्ड हवा में गायब हो गया? कोई तो होगा जो उसका इस्तेमाल आज तक कर रहा है। खैर आज इस वक्त को इतने दशक हो चुके हैं कि हिटलर तब जिंदा रहा भी होगा तो वो आज तक नहीं बचा होगा और उसी के साथ ये भी मुमकिन है कि उसकी ये कहानी भी उसी के साथ दफन हो गई। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ एक हिटलर का नहीं, ऐसे बहुत से नाजी ऑफिशियल्स हैं जो साउथ अमेरिका में आज भी एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। खैर दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन्हें भी ढूंढ कर इनके क्राइम्स की सजा दी जानी चाहिए या अब उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को क्लिक भी जरूर कर दें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस न होने पाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।